सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप आईपीएल क्रिकेट के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आईपीएल में किसी भी टीम की कामयाबी उसके कप्तान पर भी निर्भर करती है। मुश्किल वक्त में कप्तान की सूझबूझ उसकी रणनीति टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान देती है। एमएस धोनी, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनका कप्तानी का जीत प्रतिशत 0 है। आइए आपको बताते हैं कौन है वो खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जेम्स होप्स ने साल 2011 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए 3 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से होप्स एक भी मैच नहीं जीत सके। होप्स ने 3 में से 2 मैच गंवाए और एक मैच बेनतीजा रहा। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर वेन ब्रावो ने 2010 में मुंबई इंडियंस के लिए 1 मैच में कप्तानी की थी और वो मैच उनकी टीम हार गए। ब्रावो को इसके बाद किसी टीम की कप्तानी का जिम्मा नहीं मिला। पार्थिव पटेल टीम इंडिया के इस विकेटकीपर ने साल 2011 में कोची टस्कर्स के लिए कप्तानी की, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अजिंक्य रहाणे साल 2017 में अजिंक्य रहाणे ने पुणे सुपर जायंट के लिए 1 मैच में कप्तानी की थी और उन्हें हार झेलनी पड़ी। अब उन्हें राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाया गया है। स्टीवन स्मिथ को पद से हटाने के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। आप अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप नेगा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले।